वेलकम बैक। ये बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल के अजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। एनसीसी ने माली साल 2021-22 के लिए 2,102 अरब का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया है। आइंदा माली साल में विफाक का 900 अरब, सूबों का 1,202 अरब का शेयर होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अजलास मुनक्किद किया गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के अजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। एनसीसी ने माली साल 2021-22 के लिए 2,102 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया। आइंदा माली साल में विफाक का 900 अरब, सूबों का 1,202 अरब का शेयर होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी को खत इरसाल कर दिया। कहते हैं विफाक को चाहिए कि सिंध की तरक्की पर भी तवज्जो दे। पंजाब में 94 अरब, सिंध की 65 अरब की स्कीमों को शामिल किया गया। 9.7 अरब की स्कीमों में सिर्फ 500 मिलियन खर्च हुए। बजट में सिंध के लिए कम स्कीमें रखी गई हैं। हुकूमत के बजाय MNA और MPA की स्कीमों को शामिल किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी को खत इरसाल कर दिया। कहते हैं विफाक को चाहिए कि सिंध की तरक्की पर भी तवज्जो दे। पंजाब में 94 अरब, सिंध की 65 अरब की स्कीमों को शामिल किया गया। 9.7 अरब की स्कीमों पर सिर्फ 500 मिलियन खर्च हुए। बजट में सिंध के लिए कम स्कीमें रखी गई हैं। हुकूमत के बजाय MNA और MPA की स्कीमों को शामिल किया गया। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी नहीं सिंध के आवाम को नजरअंदाज कर रही है। मुल्क की आमदनी का 70% सिंध कमा कर देता है। सिंध हुकूमत ने वफाक को 17 नई स्कीमें तजवीज की, जिनमें से सिर्फ 6 स्कीमें रखी गई हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम इस पर नजर सानी करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी नहीं सिंध के आवाम को नजरअंदाज कर रही है। मुल्क की आमदनी का 70% सिंध कमा कर देता है। सिंध हुकूमत ने विफाक को 17 नई स्कीमें तजवीज की, जिनमें से सिर्फ 6 स्कीमें रखी गई हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम इस पर नजरसानी करेंगे। सिंध असेंबली में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर कानून मुर्तजा वहाब का कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में ट्रेन के 12 हादसे हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी वजीर ने इस्तीफा नहीं दिया। आए रोज के रेलवे हादसात वजारते रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हादसे में गफलत के मुर्तकिब अफराद को मैं वजीर आजम पाकिस्तान को याद दिलाना चाहूँगा 7 जनवरी 2017 का उनका स्टेटमेंट, जब लोधरा के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ था और उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत रेलवे के हवाले से फेल हो चुकी है। 2018 से लेकर अब तक कितने हो गए एग्जैक्ट? 12 ऐसे इंसिडेंट्स ट्रेन हादसा इनके दौरे हुकूमत में हुए हैं, 12, और एक बार भी इन्होंने अपनी हुकूमत के तहत चलने वाली रेलवेज के हवाले से कोई वो डिमांड नहीं की या वो फैसला नहीं किया जिसके बारे में माजी में वो ऐलानात करते थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मजीद कहा कि बहरिया टाउन से इख्तलाफ है, लेकिन निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। सिंध पुर अमन धरती है। नाम निहात नुमाइंदा ओपोजिशन जमाते पीपल्स पार्टी के बुक्स में हमारा साथ नहीं देती कि सुबह सिंध मेरे ख्याल में सबसे टॉलरेंट धरती है, सबसे एतदाल पसंद लोग इस धरती में बसते हैं, और सूबाई सिंध की हुकूमत भी उस आवाम की तर्जमानी करती है एतदाल के साथ। हमने हमेशा अपना उसूली मौकफ अपनाया कि जिस शख्स को अपना जमहूरी हक, आइनी हक प्रोटेस्ट का अपनाना है वो अपनाए। कोई दूसरी राय नहीं है कि प्रोटेस्ट करें। आपके एतराजात हो सकते हैं हमसे हों, किसी और से हों, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट आप मुहज़्ज़ब अंदाज से करेंगे। प्रोटेस्ट आप सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा के करेंगे।
मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक को 17 नई स्कीमें तजवीज की हैं, जिनमें सिर्फ 6 स्कीमें रखी हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम इमरान खान इस पर नजर सानी करेंगे, क्योंकि हुकूमत आइन पर यकीन नहीं रखती। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। महकमा इंजीनियरिंग के तहत जारी तरक्याती और मरम्मती कामों का जायजा लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने तमाम फ्लाईओवर्स के एक्सपेंशन जॉइंट्स का मुआयना करने की हिदायत कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि नागन चौरंगी फ्लाईओवर के ज्वाइंट्स खराब हालत में थे, जिसकी वजह से हादसात का खतरा था, लिहाजा उन्हें तरजीही बुनियादों पर मरम्मत करके इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग के तहत जारी कामों का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने डायरेक्टर जनरल वर्क्स अली शबील हसन जैदी को हिदायत की है कि तमाम फ्लाईओवर्स के जॉइंट्स का मुआयना किया जाए और जहां भी मरम्मत या तब्दीली की जरूरत है फौरी मशीनरी और अमला लगाकर काम शुरू किया जाए। उनका कहना था कि नागन चौरंगी फ्लाईओवर पर 24 घंटे हल्की और भारी गाड़ियों की आमद और रफ्त जारी रहती है, इसलिए वहां मरम्मत का काम इस तरह किया जाए कि अतराफ में कम से कम ट्रैफिक मुतासर हो और इस काम को तेजी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि कबल अजें लियाकतबाद फ्लाईओवर और गरीबाबाद ब्रिज के जॉइंट्स तब्दील किए जा चुके हैं, जिसके बाद यहां ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है और सड़क की सतह हमवार होने से सफरी दौरानियां भी खातिर खा कमी आई है। इसी तरह की सहूलियात शहर के हर इलाके में वाकई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स पर फराहम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से रुकने सिंध असेंबली लियाकत आसकानी की कयादत में वफ्द ने मुलाकात की। फराहमी और निकासी आपके मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। एमडी वाटर बोर्ड की निकासी और फराहमी आपके मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से रुकने सिंध असेंबली लियाकत आसकानी और पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें फराहमी और निकासी आपके सिलसिले में दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से रुकने असेंबली लियाकत आसकानी और पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली जान की कयादत में आने वाले वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने हल्के में फराहमी और निकासी आपके मसाइल से एमडी वाटर बोर्ड को आगाह किया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने तमाम मुतालिका अफसरान को हल्के में दरपेश फराहमी और निकासी आपके मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर वाटर बोर्ड के मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला गरबी के बेशतर इलाकों में पानी की मस्नूई किल्लत, आवाम पीने के साफ पानी से महरूम, पुराना गोलीमार और बड़ा बोर्ड के मकीनों को अरसा दराज से पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि माफिया हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त कर रहा है, वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया के गठजोड़ से निजात दिलाई जाए। जिला गरबी के बेशतर इलाकों में पानी की मस्नूई किल्लत, आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है, पुराना गोलीमार और बड़ा बोर्ड के मकीनों को अरसा रास्ते पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि माफिया हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त कर रहा है, वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया के गठजोड़ से निजात दिलाई जाए। जिला गरबी के बेशतर इलाकों में पानी की मस्नूई किल्लत, आवाम पीने के साफ पानी से महरूम, पुराना गोलीमार और बड़ा बोर्ड के मकीनों को अरसा दराज से पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इलाका मकीन कहते हैं माफिया हमारा पानी चोरी करके हमें ही फरोख्त कर रहा है, वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया के गठजोड़ से निजात दिलाई जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के 3 अजला में तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट ने जिला वस्ती जनूबी और शर्की में कार्रवाइयां की हैं। नाजमाबाद गोल मार्केट, पापोश नगर में फुटपाथ पर कायम तजावजात मिसमार कर दिए गए। तारिक रोड और अतराफ में सड़कों और फुटपाथ से तजावजात का खात्मा कर दिया गया। जिला जनूबी के चांद बीबी रोड पर भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सड़कों, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कराची के 3 अजला में
تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی ضلع وسطی جنوبی اور شرقی میں کارروائیاں ناظم آباد گول مارکیٹ پاپوش نگر میں فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات مسمار کر دیے گئے تارک روڈ اور اطراف میں سڑکوں اور فٹ پاتھ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ضلع جنوبی کے چاند بی بی روڈ پر بھی تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا سڑکوں فٹ پاتھ اور گرین بیلٹ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ سیل نے کراچی کے تین اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جس کے دوران سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان کی زیر نگرانی ضلع وسطی کے علاقے ناظم آباد گول مارکیٹ اور پاپوش نگر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران سڑکوں فٹ پاتھ پر رکھے ٹھیلے پتھارے کیبن اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے چاند بی بی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کے دوران سڑکوں پر رکھے اسٹال کیبن اور دیگر تجاوزات ضبط کر لیے گئے ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ مین تارک روڈ اور اطراف کے علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئیں کاروائی کے دوران گرین بیلٹ اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے کاؤنٹرز ٹھیلے پتھارے اور کیبن ضبط کر لیے گئے کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی کاروائیوں کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے علاقہ پولیس سٹی وارڈن کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے بلدیہ جنوبی اور شرقی کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے ایم ڈی آفس کے باہر ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے بقایا جات اور دیگر الاؤنسز ادا کرنے کا مطالبہ کیا ایم ڈی زبیر چنہ نے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے بلدیہ جنوبی اور شرقی کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے ایم ڈی آفس کے باہر ملازمین کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا بقایا جات اور دیگر الاؤنسز ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر ایم ڈی زبیر چنہ نے مطالبات پوری کرنے کی یقین دہانی کرا دی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ مختلف یو سیز میں روڈ لیولنگ کے کام متوقع مونسون سے قبل بلدیہ شرقی کی جانب سے نالہ صفائی جاری ہے جبکہ متوقع برسات کے پیش نظر بلدیہ شرقی کی جانب سے چھوٹے نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید محمد علی شاہ اور میونسپل کمشنر شعیب احمد ملک کی ہدایات پر نالوں کی صفائی کے حوالے سے گزشتہ دو مہینوں سے گلشن اقبال اور جمشید زون میں نالوں کی صفائی کو مکمل بنانے کے لیے مشینری اور مینوئل لیبر کی مدد سے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں سپرنٹینڈنگ انجینئر بی اینڈ آر سید اظہر حسین شاہ اور ایگزیکٹو انجینئر سلمان الرحمان میمن کی زیر نگرانی سیکٹر ایف سر سید روڈ منظور کالونی یو سی دو اور پارسی گیٹ یو سی چار میں مینوئل لیبر کی مدد سے نالوں کی صفائی کو مکمل بنایا گیا ہے ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملہ کی زیر نگرانی شاہان پاڑہ شانتی نگر یو سی 23 اور لاسی گوٹ میں سڑکوں کی درستگی کے حوالے سے اقدامات بروئے کار لا کر روڈ لیولنگ کے کام سر انجام دے کر سڑکوں کو درست کر دیا گیا ہے مذکورہ امور تواتر کے ساتھ مختلف یوسیز میں سر انجام دیے جا رہے ہیں خاص طور پر نالوں کی صفائی کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ متوقع برسات سے قبل بلدیہ شرقی کی ذمہ داری میں آنے والے نالوں کو صاف کر دیا جائے نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کلیئر کر دیے جائیں اور اس حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک ویلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کا ایک اور ترقیاتی منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا ایم جنا روڈ پر ترقیاتی کام التوا کا شکار ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے
शहर कायद में तरक्याती मंसूबे न जाने कब होंगे पूरे। कराची की मसरूफ तरीन शारा एम ए जीना रोड पर तरक्याती काम ताहाल मुकम्मल ना हो सके, जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने लगे। कई माह से जारी तरक्याती काम से अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि कराची को नाअहल हुकूमत ने तबाह कर दिया है, हर रोड टूट फूट का शिकार है। ये रोड तो तकरीबन आप समझ लें 2-2.5 साल होने को आ गए, इसका तो कोई समझ लें कि आसरा लग भी नहीं रहा बनने का, और बिल्कुल काम रुकी गया है तकरीबन। एक तरीके से देखा जाए पीछे में आ रहा हूँ, पीछे सारे रोड वगैरह टूटे हुए हैं। कुछ कराची के रोडों को तो समझ लें ऐसे लगता है हम गांव देहात में आ गए। कराची तो कहीं से लगता ही नहीं है। पहले बनाया फिर तोड़ दिया, अब क्या कह सकते हैं, सो गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ। पहले बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं तोड़ते हैं। 3-4 साल हो गए चल रहा है काम, खत्म नहीं होके दे रहा है इनका, अजियत में डाली हुई जिंदगी बस। बातें और कुछ भी नहीं है, पानी नहीं आ रहा यहाँ पर, गटर उबल रहे हैं, क्या क्या करें, किसको रोए हम। ऐसे ही है भाई पाकिस्तान का हाल, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कोई फायदा नहीं है किसी को कुछ बोलने का। शहर कायद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जगह जगह खड्डों ने अवाम के मिनटों के सफर को घंटों में तब्दील कर दिया है, जबकि तरक्याती काम है के न जाने कब से जारी हैं और कब तक जारी रहेंगे। एम ए जिना रोड की खस्ता हाली के हवाले से शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करवा कर अवाम को सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो वन न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सोल्जर बाजार का बरकजी बरसाती नाला खस्ता हाली का शिकार है। नाले में कचरे के अंबार बदस्तूर बरकरार, बरसाती नाले की दीवारें भी अरसा दराज से गायब हैं। शहरी कहते हैं कि बरसात के दिनों में ये नाला ओवरफ्लो होकर तबाही की वजह बनता है। कराची में कचरे से भरते नाले शहरियों और इलाका मकीनों को खौफ में मुब्तला करने लगे। जिला शक्ति के इलाके सोल्जर बाजार का मरकजी नाला भी कचरे से भर गया, जिसके 22 बारिशों के दिनों में ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है। जहां बरसाती नाले की दीवार भी बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दस्तियाबी की वजह से जगह जगह से टूट चुकी है, जो हादसात की वजह बनती है। शहरी कहते हैं कि इस नाले की सूरत हाल देख कर खौफ आता है, बरसात के दिनों में ये नाला ओवरफ्लो होकर तबाही की वजह बनता है। इलाके वालों से भी बात करिए, चेयरमैनों से भी बात करिए, इससे पहले भी नाला साफ हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है चेयरमैनों ने अपना हाथ हटाया हुआ है। जब भी जाओ तो चेयरमैन बोलते हैं गाड़ियां फारिक नहीं है, ये फारिक नहीं है, टूटा हुआ है। ये जो पानी बाहर आता है इधर लोग गिरते हैं, बारिशों में लोग गिरते हैं, इधर लेडीजें भी गिरती है, कारोबार नहीं कर सकते हम। यहाँ की सफाई नहीं हो रही है, इंतजाम है यहाँ की सही है ही नहीं, ठीक है ना। और ये बुरा हाल हुआ है, लोग बिल्डिंग से कचरा भी फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस देने वाले नहीं फ्लैटों वालों को। ये बारिश के दिनों में नाला फुल हो जाता है। अब मुश्किल ये है कि ओवरफ्लो हो गए लोगों के घरों के दुकानों के अंदर पानी जाता है। बारिश होती है पानी सारा ऊपर आ जाए, सबों के घरों में चले जाता है पानी। और ये बिल्डिंग वाले, एक तो ये जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई है इनको भी, इनके घर में लेटर भी भिजवाया गवर्नमेंट ने कि ये कचरा ना फेंके, फिर भी यहाँ कचरा ये फेंकते हैं, यहाँ कचरा भी फेंकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पूरा नाला भरता तो पूरा पानी ऊपर आके लोगों के घरों पे चले जाता है। ये हुकूमत से यही कहेंगे भाई इसको तहफ़ुज़ करें, इसका जो भी है जो हल है वो करें, ताकि हम भी सेफ रहे, लोग भी दूसरे भी सेफ रहे। रोशनियों के शहर कराची के नाले भी कचरे की नजर हो चुके हैं, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से बरसाती नालों को साफ करने के दावों की कलई खोल रहे हैं। मानसून बारिशों में कराची की सूरत हाल क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो वन न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के अजला में सबसे तबाहाल जिला कोरंगी में बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी। कोरंगी 6.5 नंबर का नाला गंदगी और गलाजत और कचरे के अंबार से भर गया। शहर कायद के तबाह हाल जिला कोरंगी का कोई परसाने हाल नहीं। कोरंगी 6.5 नंबर का मरकजी नाला भी गंदगी और गलाजत और कचरे से भर गया, जहां नाले का पानी कम और कचरे के ढेर ज्यादा हैं, जिसके बायस ये नाला चोक हो जाता है। इस मौके पर गंदगी और गलाजत से परेशान शहरियों का कहना था कि हुक्मरान हमारे फंड से करोड़ों रुपए बाहर लेकर जा रहे हैं, अवाम शहर में कचरे से परेशान है, कोई नहीं देखता। ऐसे ही देख रहा है, हमने तो सफाई देखी नहीं है। अगर बारिश होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ, तीनों तरफ पानी है। नवाजियों को बहुत परेशानी है, इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फूल रहती है,
पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो आगे। यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर आग लगा देते हैं इस तरह से। ये टोटल सरासर जहालत है कि इस तरह आग लगा देना। मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, धुएं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से नुकसान होते हैं, गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती। केएमसी की जानिब से भी शहर कायद के बरसाती नालों को कचरे से पाक करके बहाल करने के दावे तो कर दिए गए, मगर ना जाने क्यों इन दावों पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। शहर के चंद एक नालों के सिवा हर नाले में कचरे की वजह से पानी चोक हो रहा है, जो बरसात के दिनों में शहरियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती के बेशतर इलाकों में सेवरेज के बोसीदा निज़ाम की तबाह कारियां जारी हैं। मरकजी और जेली शाहराहें टूट फूट का शिकार होने लगी। नाजमाबाद की मरकजी शाहरा सेवरेज के पानी से भर गई। मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरना आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं ओवरफ्लो की शिकायत पर कोई कान धरने को तैयार नहीं, इलाके में रहना और कारोबार करना मुहाल हो गया है। शहर कायद में बोसीदा सीवरेज के निजाम ने आवाम को मुश्किलात से दोचार कर दिया। ये मंजर किसी तालाब के किनारे की सड़क का नहीं, बल्कि ये मनाजिर है नाजमाबाद की मरकजी शाहरा की, जहां बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत के बाइस गंदा पानी रोड पर मौजूद है, जिसके बाइस अहले इलाका और मुसाफिर दोनों अजियत में मुब्तला है। इलाका मकीन कहते हैं की यहाँ निकासी आप तो करा दी जाती है, मगर यहाँ असल सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है जिसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। एक महीने से ऊपर का वाकया है ये तकरीबन, और रोजाना पानी आ रहा है इधर हर रोजाना। कोई सफाई नहीं, कोई इंतजामिया, कोई सब बेबस लगी नहीं है, कोई मतलब किसी चीज का इंतजाम नहीं है इधर। ये बड़ी लाइन सीवरेज की है, ये भी बंद पड़ी हुई है, चौक हुई है बिल्कुल। ये चारों तरफ पानी का ये अंबार लगा हुआ है, मच्छर बदबू ये सारी इधर बेतहाशा गंदगी हुई हुई है। कोई लोगों का ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं है, ना पीने का, ना ये पानी जाया हो रहा है लोगों के, पीने का पानी जाया कर रहे हैं ये लोग। ये तकरीबन ये एक महीने से पानी है यहाँ पे। केएमसी वाले आते हैं, वो सफाई करके से पानी बहाकर चले जाते हैं। ये मेन जो प्रॉब्लम है वो है आगे से, दो नंबर से सारा गटर लाइन जो है ना वो चौक हुई हुई है, वो पानी ये सीवरेज का पानी सारा इधर आता है, और ये इसी की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। हुकूमत से तो यही दरख्वास्त करेंगे भाई, मेहरबानी होगी थोड़ी सी, हम गरीबों पे एहसान फरमा दीजिए कि ये जो कारोबार जो है ना पूरा ठप हो जाता है, इसकी वजह से कारोबार ख़त्म होता है। सर यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, इसी पानी की वजह से एक बाइक पे बंदा गुजर रहा था, उसने अपने बचाने की कोशिश की, वहाँ से पीछे से ट्रक आई, उस बंदे को कुचल के चले गई। हम आप लोगों से और आवाम से और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप गरीबों के लिए कुछ सोचें। हम खुद गरीब हैं, रास्ते में बाइक वाला जा रहा है पानी को देकर उस साइड पर जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी की उसको कुचल के चले जाते हैं, इसका कौन सी मुआर होगा। ये हादसा का मसला बन रहा है, आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग इसके लिए कुछ हल निकाले। कराची की अक्सर शाहराहें कचरे और सीवरेज के पानी से भरी हुई है, जबकि आवाम को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जगह जगह गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं। शहर की अहम शाहराहों पर सीवरेज का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अजीजाबाद हफ्ता बाजार ग्राउंड में पार्किंग माफिया काबिज है, ग्राउंड में कचरे के अंबार से इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। शहर कायद की इंतजामिया सोती रही, कराची में कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए। अजीजाबाद हफ्ता बाजार ग्राउंड में कब्जे और जगह जगह कचरे के सबब अवाम अजियत में मुब्तला हो गए, जहां यूं मालूम होता है कि इंतजामिया भी खामोश नमाशाई की तरह ग्राउंड पर कब्जा होते देख रही है, जबकि सफाई कराना तो बहुत दूर की बात। इस मौके पर इलाका मकीनों ने मुतालिका हुकाम को अपनी परेशानियों से आगाह करते हुए कहा कि कचरे से बीमारियाँ फूट रही हैं, खुदारा शहर को कचरे से पाक करें। कचरा कुंडी लगा रखी है हर जगह पे, देखो कचरा कुंडी है उस कोने पे, इस कोने पे, यहाँ कोने पे मदरसा भी है, अल्लाह का जिक्र होता है। ये अजीजाबाद हफ्ता बाजार के नाम से मशहूर है ये ग्राउंड, अजीजाबाद चार नंबर का, अजीजाबाद थाने के बिल्कुल सामने है ये ग्राउंड। आप देख सकते हो इधर की हालत क्या है, कचरा कुंडी बना दिया है, बच्चे किधर से खेले। अभी वैसे कोरोना मरोना का चक्कर चल रहा है, ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता है कि सारा कचरा है इधर से उधर, कोई इधर यूसी पूछने वाला नहीं है, पेड़ गिर रहे हैं, मर रहे हैं, फूस रहे हैं,
पता नहीं, देखो आप तुम्हारे सामने हालत देखो। 5 साल हो गया ग्राउंड को कोई देखने वाला नहीं है, ग्राउंड में कचरा इंतहा का कचरा है, ग्राउंड को कोई रेन्यूवेट करने वाला नहीं है, ग्राउंड की पिच खराब है, ग्राउंड में पार्किंग बना दी है, हालांकि इसको फैमिली ग्राउंड बनाना चाहिए लोगों को। जगह जगह मौजूद कचरा और कब्जे के बायस हफ्ता बाजार ग्राउंड अब जबू हाली का शिकार हो चुका है, जहाँ न हुकूमत तवज्जो दे रही है, न जिला इंतजामिया और न ही बल्दिया उज़्मा कराची। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मुतालिका इदारे अपने कामों से जी चुराने के बजाय शहर को कचरे और कब्जा माफिया से पाक कराएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती का इलाका हुसैनाबाद बांटवा नगर गंदगी खलाजत और कचरे की नगरी में तब्दील हो गया। गली महलों में सेवरेज का बहता पानी भी यहां के मकीनों का मुकद्दर बन गया है। जगह जगह कचरे के अंबार, मकीनों का सेवरेज का बोसीदा निजाम और कचरे के अंबार साफ करने का मुतालबा। कहते हैं बल्दिया बस्ती इंतजामिया बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुकी। इंतजामिया को जबानी दावों से बाहर निकलकर हकीकी मानों में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इकदाम करने होंगे। कराची का इलाका हुसैनाबाद का बांटवा नगर गंदगी गलाजत और कचरे की नगरी बन गया। जिला वस्ती इंतजामिया और सैवरेज बोर्ड के ना अहली से बांटवा नगर में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। गली मोहल्लों में सैवरेज का बहता पानी भी यहां के मकीनों का मुकद्दर बना हुआ है। शहरी कहते हैं हुकूमती शख्सियात और आला अफसरान की आमद मतवक्का हो तो बल्दिया वस्ती का पूरा अमला तमाम तर वसाइल और इख्तियारात इस्तेमाल करता है। इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, कोई उठाने नहीं आता। मकीनों का कहना था कि बल्दिया वस्ती इंतजामिया बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। इंतजामिया को जबानी दावों से बाहर निकलकर हकीकी मानों में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इकदाम करने होंगे। कचरा इतना हो गया, जगह जगह कचरा कुंडिया बन गई है, जहाँ देखो जो कूड़ा कर डाल के चले जाते हैं, उठाने वाला कोई होता ही नहीं है। कभी एक महीने डेढ़ महीने के अंदर कभी उठाया जाता है कचरा, तो इतनी बदबू आती है कि बंदा नमाजी से नमाज पढ़ सकता है ना कुछ ले सकता है। एक तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है लोगों की, रोजमर्रा के लिए बड़ा मुश्किल मामला थे और ऊपर से ये सारे मामला, ये हर गली का ये हाल है भाई। हर गली के अंदर तकरीबन चौक पे, तकरीबन रोडों पे सेवरेज का मसला ये है ही। कचरा कुंडी यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन जो यहाँ पे उठाने का सिस्टम है, जो कचरा कुंडी रिहायशी इलाके में बिल्कुल बीच में रखी हुई है, इसमें ताफुन बहुत उठता है। खासकर रमजानों में या बहुत ज़्यादा जो ना जो ईद उल अज़हा आती है, इसमें यहाँ पे आलाइश वगैरह रखी होती है, इससे बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो ना हम चाह रहे हैं कि इस कचरा कुंडी को थोड़ा इस रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर किया जाए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में सेवरेज का बौसीदा निजाम ठीक करके सफाई और सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।